मैं ज्ञानी हूँ, गवार हूँ, ये कहना एक बात है, पर मैं सब कुछ पैसों के लिए करता हूँ, ये कहोगे तो चुभेगा नहीं मुझे? मैं तुम्हें टोकती हूँ, पर सिर्फ इसलिए कि तुम जीना सीखो। तो सिर्फ आपके हिसाब से जीना ही तो जीना नहीं होता ना? नहीं तो फिर तुम बताओ क्या होता है। मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, जिन लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ वो मेरा सम्मान करते हैं। इतना काफी है? मेरे लिए काफी है। जिंदगी इतनी विशाल है, दुनिया में कितना कुछ है। मुझे नहीं है जानने की इच्छा, तो इससे क्या मैं बुरा आदमी हो जाता हूँ? देखो अगर कुछ समझना नहीं है ना तो अनशंट बातें मत करो। अच्छा आप बताओ जिंदगी में क्या चाहिए? खुशियाँ और थोड़ी बहुत मानवता होनी चाहिए, इतना क्या काफी नहीं है? काफी है, और बात अच्छे बुरे की नहीं, भावनाओं का एक पूरा दायरा है, बात है उसे अनुभव करने की, समाज के साथ जुड़ने की। तो दया तो है ही ना मेरे में। तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारी दया की जरूरत कहाँ किसे है, तुम्हारे किस काम से किस पर क्या असर पड़ता है। इस दया को अपने मन में रखो, क्या फायदा, तुम्हारे समाज को तुम्हारे होने से कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आपके इसी स्वभाव की वजह से मातंग आ गई थी, बड़े बड़े लोगों की खोखली बातों से दूर भाग जाना चाहती थी। ये भी तुम्हारी गलत फहमी है, वो खोखले नहीं थे, ऊंची ऊंची इमारतों में सोए हुए बुद्धिजीवी नहीं थे, कर्मठ लोग थे। अपनी जिंदगी किसी बड़े उद्देश्य के लिए दे देना, बड़ी भारी अपेक्षा किसी से भी। देखो इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहती, जो कि मैंने शायद तुम्हारी माँ के ऊपर डाला होगा। कितना कुछ मिला था उसे, उसने बांटा क्या? तो आपने कौन से झंडे काट दिए, कौन सी दुनिया बदल डाली? जब देश आजादी के लिए लड़ रहा था तो माँ को पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर आप चली जाती थी गांव गांव लोगों को बताने के लिए कोंडम पहनो कोंडम पहनो। हो गई क्रांति, कर ली समाज सेवा, आपके काम से कुछ भी फर्क पड़ा होता तो ये 125 करोड़ कहाँ से आ जाते? 3 पीढ़ियों से हम गुलामी और दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं, आज ये देखने के लिए कि मेरा अपना नाती अमरीकियों का मुंशी बन बैठा है। सठिया गई हैं आप, विदेशी कंपनी क्लाइंट्स हैं मेरे। संस्कार तो देखो, आपने अपनी नानी माँ को बोल रहे हो सठिया गई है। अच्छा माफ करें, इस विषय में अपने जब बात करेंगे जब या तो मुझे आपकी बात समझ में आए या आपको मेरी। तब तक देश आजाद हो चुका था, इतिहास पढ़ लो। तो जी का ख्याल रख, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं करूँगा क्या,